स्टूडेंट, इट्स हिस्ट्री ऑफ क्लास 12, थीम 6, भक्ति सूफी ट्रेडिशन 8th to 18th century। इन आवर फर्स्ट वीडियो वी हैव रेड अबाउट डिफरेंस एंड कन्फ्लिक्ट, मतलब अलग अलग धर्मों में क्या क्या डिफरेंस था, उनके आपस में झगड़े क्या थे। वी हैव रेड अप टू दिस लाइन स्पेशली इन ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। All of these somewhat divergent and even discrete belief and practices would come to be classified as Hindu over the course of next millennium. Means जो अलग अलग beliefs and practices थे, मतलब धर्म के अंदर जो लोगों के अलग अलग विश्वास थे, अलग अलग पूजा प्रणाली थी, काफ़ी समय के बाद हिंदू धर्म में दिखाई देने लगा। The divergence is perhaps most stark if we compare वैदिक एंड पुरानिक ट्रेडिशन। हमें बहुत सारे अंतर, जब हम वेद और पुरानों के ट्रेडिशन को कंपेयर करते हैं तो हमें बहुत सारी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। द प्रिंसिपल डेटी ऑफ द वैदिक पैंथन अग्नि, इंद्रा एंड सोमा बिकम मार्जिनल फिगर रियरली विजिबल इन टेक्सुअल और विजुअल रिप्रेजेंटेशंस। वैदिक पैंथन जो अग्नि, इंद्र और सोमा थे, बिकम मार्जिनल फिगर, मतलब ये बहुत अद्भुत, ये बहुत अद्भुत रूप में ये पूजे जाने लगे। रियली विजिबल इन टेक्सचुअल एंड विजुअल रिप्रेजेंटेशन, जो आमतौर पर टेक्सचुअल मतलब किताबों में देखने को मिलते थे और विजुअल मतलब किसी भी कहानियों में देखने को मिलते थे। एंड वाइल वी कैन ईच कैच ए ग्लिम्स ऑफ विष्णु, शिवा एंड गॉडेस इन वैदिक मंत्रा, और वैदिक मंत्रा में हम विष्णु, शिवा आदि भगवान देवी देवताओं की झलक हमें दिखाई देती है। हाउ एवर इन स्पाइट ऑफ दीज ऑब्वियस डिस्क्रिपेंसीज द वेदास कंटिन्यू टू बी रिवर्ड एज अथॉरिटी। इतनी भिन्नताएं होने के बाद, अलग अलग प्रकार होने के बाद भी वेदों को आज भी अथॉरिटी प्राप्त है। नोट सरप्राइजिंगली देयर वर सम टाइम कॉन्फ्लिक्ट एज वेल। दोज हु वैल्यूड द वैदिक ट्रेडिशन ऑफन कॉन्डमेंट वैदिक प्रैक्टिस कॉन्डमेंट प्रैक्टिस दैट वेंट बियॉन्ड द क्लोजली रेगुलेटेड कॉन्टैक्ट विद द डिवाइन थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइस और प्रिसाइसली चैंटेड मंत्रा। अब जो लोग वेदों को मानते थे उनके अंदर भी काफ़ी भिन्नताएँ, वेदों को मानने वाले दूसरे लोगों की निंदा करते थे, जैसे कि जो लोग भगवान का पूरी डिवाइन थ्रो द परफॉर्मेंसेज ऑफ सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस की तो भगवान की पूजा पाठ नहीं करते थे और मंत्रों का उच्चारण नहीं करते, वो उन लोगों की निंदा करते थे। ऑन द अदर हैंड दोज इंगेज इन तांत्रिक प्रैक्टिसेस फ्रिक्वेंटली इग्नोर द अथॉरिटी ऑफ द वेदा, और दूसरी तरफ जो तांत्रिक प्रैक्टिस में लोग जुड़े हुए थे, तांत्रिक लोग थे, वो वेदों की अथॉरिटी को इग्नोर करते थे। आल्सो डिवोटी ऑफन टेंडेड टू द प्रोजेक्ट देयर चूजन डेटी, वे हमेशा अपनी एक भगवान को उन्होंने चूज कर रखा था, हमेशा उनका झुकाव उसी भगवान के प्रति रहता था। ऐसे विष्णु और शिवा, चाहे वह विष्णु चाहे शिवा हो, मतलब शिव को मानने वाले शिव की पूजा करते थे, विष्णु को मानने वाले विष्णु की पूजा करते थे। रिलेशन विद अदर ट्रेडिशन सच एज बुद्धिज्म और जैनिज्म वर आल्सो ऑफन फ्रॉट विद द टेंशन इफ नॉट ओपन कॉन्फ्लिक्ट। अब बुद्ध और जैन लोगों में भी आपस में थोड़ा सा भेदभाव रहता, कन्फ्लिक्ट रहता, लेकिन वो पूरी तरह से खुलकर दिखाई नहीं देता था। नाउ वी विल रीड अबाउट द सेकेंड पार्ट, पोएम ऑफ प्रेयर अर्ली ट्रेडिशन ऑफ भक्ति। इन द कोर्स ऑफ इवेल्यूशन ऑफ दीज फॉर्म ऑफ वर्शिप इन मैनी इंस्टेंसेज पोएट संत एमर्ज एज लीडर अराउंड हुम देयर डिवेल्प्ड ए कम्युनिटी ऑफ डिवोटी। फर्दर वाइल ब्राह्मण्स रिमेन इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएटरीज बिटवीन गॉड्स एंड डिवोटी इन सेवरल फॉर्म ऑफ भक्ति। अब क्या था कि बहुत से पोएट संत आगे लीडर बनकर आए और उनके आस पास काफ़ी भक्तों का झुंड रहता था, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया बड़ी कविताएं वगैरह लिखते थे। और बाद में ब्राह्मण जो लोग थे, रिमेन इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएटरी बिटवीन गॉड्स एंड डिवोटी इन सेवरल फॉर्म ऑफ भक्ति। अब बाद में क्या हुआ, ब्राह्मण जो लोग थे भगवान और उसके भक्तों के बीच में मध्यस्थता का काम किया, मतलब कि इंटरमीडिएटरीज का काम किया ब्राह्मण लोगों ने। दीज ट्रेडिशंस
also accommodated and acknowledged women and the lover of caste category considered ineligible for liberation within the orthodox brahminical framework. अभी क्या हुआ, जो orthodox ब्राह्मण थे, जो कट्टरवादी थे, उन्होंने lower caste और women's को अपने आप से दूर रखा, इन भक्ति साधना से दूर रखा. Who also characteristic tradition of bhakti was a remarkable diversity. इसमें इससे क्या हुआ कि भक्ति की धारा में अलग कई प्रकार की भिन्नताएँ पैदा हो गई. At a different level, historian of religion often classify bhakti tradition into two broad category. उसके बाद क्या हुआ कि हिस्टोरियन जो ऐतिहासिक लोग जो थे, इतिहास लिखने वाले, उन्होंने भक्ति मूवमेंट को दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया. फर्स्ट इज सगुन, पहले सगुन विद एट्रीब्यूट्स, जो मतलब कि भगवान के साकार रूप में विश्वास रखते थे, एंड निर्गुण विद विदाउट एट्रीब्यूट्स. निर्गुण जो मतलब भगवान के निराकार रूप में विश्वास रखते थे, सगुण मानते कि भगवान का आकार है, मूर्ति पूजा में विश्वास रखते. निर्गुण लोग भगवान को निराकार मानते, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे. द फॉर्मर इंक्लूडेड ट्रेडिशन दैट फोकस ऑन द वर्कशिप ऑफ स्पेसिफिक डेटिस सच एज शिवा विष्णु एंड हिज अवतार. जो सगुण जो थे वो भगवान विष्णु शिवा और उसके अवतारों में विश्वास रखते थे, एंड द एंड फॉर्म ऑफ गॉडेस एंड देवी आल ऑफन. नाउ नेक्स्ट, निर्गुण भक्ति ऑन द अदर हैंड वाज वर्शिप एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड. जो निर्गुण लोग थे भगवान को अंतरात्मा से ध्याते थे. ये स्टूडेंट, नाउ वी रीड 2.1 द अलवर्स एंड न्यानर्स ऑफ तमिलनाडु. Some of the earliest bhakti movement, sixth century, were led by the Alvars. कुछ movement जो sixth century में भक्ति के start हुई, भक्ति की धाराएँ movement start हुई, उसमें Alvars, वे सारी Alvar लोगों के द्वारा चलाई गई. Alvar literary, those who are immersed in devotion to Vishnu. Alvar जो भगवान विष्णु में विश्वास करते, भगवान विष्णु की भक्ति में खोए होते थे. And Nyaners, लिटरेरी लीडर हु वर डिवोटेड टू शिवा. ज्ञानर जो भगवान शिव के भक्त होते थे. दे ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग हिम इन तमिल इन प्रेज ऑफ देयर गॉड. ये जो अलवर और ज्ञानर्स थे वो जगह से एक जगह से दूसरी जगह पर भजन गाते हुए घूमते थे, और ये भजन वो अपने परमात्मा की प्रेज में गाते थे. During their travel, the Alvar and Nyanar identified certain shrine as abode of their chosen deity. अब जब वो travel करते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, उन्होंने जगह जगह अपने shrine बना लिए थे, अपने भगवान की पूजा पाठ करने के लिए shrine बनाए. Very often large temple were later built at these sacred places. अब उस धीरे धीरे वो जो shrine, पहले shrine बने, फिर धीरे धीरे बड़े बड़े मंदिर बनने शुरू हो गए. These developed as center of pilgrim. और जो बड़े बड़े मंदिर थे, ये तीर्थ यात्रा के एक स्थान बन गए. सिंगिंग कंपोजिशन ऑफ दीज पोएट्स एंड बिकम पार्ट ऑफ टेंपल रिचुअल इन दी श्राइन एज डिड वर्शिप ऑफ संत इमेजेस. जो ये ट्रैवलर थे, न्यानर्स और अलवर्स थे, वो घूमते इधर उधर घूमते थे, श्राइनों में रहने लग गए, फिर बड़े बड़े टेम्पल्स उनके बन गए. तो वहाँ पर वो क्या करते थे, रिचुअल पोएट्स एंड बिकम पार्ट ऑफ टेम्पल रिचुअल एंड दे सिंगिंग कंपोजिशन. वो अपनी जो कंपोजिशन, अपनी रचनाओं को गाकर सुनाते थे. धीरे धीरे ये रचनाएं, सिंगिंग कंपोजिशन, रिचुअल पार्ट बन गई, लोगों का एक धर्म बन गया. एज डिड वर्शिप ऑफ सेंट इमेजेस. अब लोगों ने धीरे धीरे उनकी सिंगिंग कंपोजिशन को अपने धर्म का एक हिस्सा बना लिया, और इन संतों की इमेजेस को भी पूजना शुरू कर दी, मतलब इन संतों की भी पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी. ओके स्टूडेंट, थैंक्स, हैव अ नाइस डे.